हेलो, पहले वीडियो में मैं आपको पूरा कटिंग बताई थी। अभी मैं पूरा स्टिचिंग बताऊंगी कैसे कैसे स्टिचिंग करेंगे। तो ये पूरा कटिंग है, तो पहले हम आगे साइड सिलाई करेंगे। ये बकरम कट गया है, इसको अभी हम प्रेस कर देंगे। ये मैंने प्रेस कर दिया गला। अभी आगे का पार्ट इसको बाद में लगाएंगे। बीच में रख के इसको कट कर देंगे। और ये जो कटा हुआ बीच में थोड़ा सा इसको इधर रखेंगे। एकदम से बराबर रख के इसको अभी कट करेंगे। ऐसे बाद में सिलाई करेंगे, कट करते हैं। चलिए, गले का कट हो गया। अभी हम इसको डिजाइन बनाएंगे, इसको भी सिलाई कर देंगे। ये जो निशान है इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, सिलाई दिखा हुआ होना चाहिए। ये लग गया निशान। ये निशान लग गया। अभी इधर से मैं आपको बता देती हूँ, इधर से 3 इंच ये आपके हिसाब से रख लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा लगेगा। अगर आप चाहे तो ये पूरा काट के पाइपिंग भी लगा सकते हैं, तो मेरे को पाइपिंग नहीं लगाना है, ये सिर्फ सिलाई करना है। ये भी ऊपर की तरफ से सिलाई आएगा, ये देखिए ऐसा आएगा। सिलाई हमको बाहर की तरफ से देखना है, ऐसे एकदम से किनारा। ये निशान के ऊपर ऊपर हम नीचे तक सिलाई कर देंगे। तो चलिए सिलाई करते हैं। सीधी तरह से लगाना सिलाई। ये देखिए सिलाई पूरा किनारा से। इसको हम प्रेस कर देंगे तो ऐसे बैठ जाएगा। सेम ऐसे आधा इंच में और एक सिलाई आएगा इधर से, तो सिलाई करते हैं। ये देखिए सिलाई हो गया, एक सिलाई और एक आधा इंच के बाद और एक सिलाई। सिलाई करने के बाद आप थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा इसको। अभी गला कर उठते हैं। ये हो गया, मैंने अस्तर भी रख दिया। अस्तर रख के आप थोड़ा कच्चा सिलाई भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा थोड़ा साइड में थोड़ा थोड़ा निकलेगा अस्तर, तो इसको आप कट कर दीजिएगा इधर से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिलाई आया इसीलिए।
ये है बकरम, इसको भी सिलाई कर दिया है। अभी बस इसको रख के सिलाई करेंगे ऐसे। इधर से सिलाई कर देंगे, तो चलो सिलाई कर। गले का सिलाई हो गया, इसमें थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग होगा। इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। ये हो गया आगे का सिलाई, कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा जो साइड में अस्तर दिख रहा है उसको काट देते हैं। इधर से भी काट देते हैं, नीचे भी थोड़ा थोड़ा अस्तर दिख रहा है, इसको भी काट देते हैं। अभी पीछे का भी सेम ऐसे। मैंने कटिंग कर लिया है, अभी इसको सिलाई कर देंगे। तो चलिए सिलाई करते हैं। ये देखिए पीछे का भी हो गया सिलाई। अभी आगे पीछे को जोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे सेम ऐसे इसको भी जोड़ देंगे। ये दोनों साइड जोड़ दिया। अभी पीछे की साइड भी पूरा सिलाई लगा देंगे। ये गला हमारा आगे पीछे का हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी ये जो फिटिंग वाला सिलाई इसको लगा देंगे, सिलाई कर देंगे इसके ऊपर। ये और ये इधर डिजाइन फ्रॉक का आगे का कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही हो गया। ये देखिए कटिंग तो पहले वीडियो में कर दिया था, अभी स्टिचिंग कर रहे हैं। अभी बाजू बनाएंगे। बाजू निकाल दिया, उल्टी तरफ भी कर दिया। अभी निशान लगा देंगे। ये 5 इंच में निशान लगा दिया। ये आप सीधी तरफ से रख के देख लीजिएगा, जो आगे के साइड कटा रहता है ऐसे।
हमको कितना चाहिए आप देख लेंगे। ये भी इतना चाहिए तो इसी में हम निशान लगा देंगे। फिर अभी इसको हम उल्टे तरफ कर देते हैं। ये लाइन और इसको ये लाइन को लाइनिंग कर देते हैं। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी बाजू को भी निशान लगा के सिलाई कर देंगे। तो चलिए सिलते हैं। ये बाजू का सिलाई हो गया, ये देखिए दोनों का। इसको मैं इसीलिए नहीं सिला था, इसमें अभी चुन्नट लगेगा। चुन्नट लगाने के बाद बाजू लगाएंगे। यह है हमारा चुन्नट का कपड़ा। पहले इसी को सिल देते हैं, थोड़ा मोड़ के। थोड़ा सा सिलाई करेंगे, एकदम से थोड़ा सा, तो पूरा सिलाई करते हैं। इसे सिलने पहले सिलने से पहले हम ये दोनों तरफ से जोड़ लेंगे ऐसे। मैंने जोड़ दिया, अभी इसको सिलाई कर देंगे ऐसे। ये दोनों तरफ का सिलाई हो गया चुन्नट वाला। इतना एक्स्ट्रा हमको चुन्नट लगाना है। तो हम ये बीच में निशान लगा देंगे ताकि चुन्नट दोनों मात्रा में बराबर आएगा। आगे पीछे दोनों साइड में, इसमें भी बीच में निशान लगा दिया। अभी इसको हम ये सीधे इसको उल्टा कर देते हैं। और ये वाला जो बीच में हम लोग निशान लगाए थे, ये वाला, इसको हम अंदर की तरफ से, ये देखिए ये भी निशान किया हुआ है, इसको और इसको मिला देंगे। और ये जो सिलाई है, ये सिलाई से जुड़ जाएगा। चारों साइड में चुन्नट लगा देंगे, ये देखिए। इतना थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के चारों साइड चुन्नट लगा देंगे। तो चलिए चुन्नट लगाते हैं।
देखिए एकदम से अच्छे से लग गया चुन्नट। अभी सेम इसी में भी सिलना है। और बीच में कटिंग कर लेंगे, फिर इसको ऊपर का हिस्सा को बाजू का उल्टा कर देंगे और चुन्नट का हम सीधा कर लेंगे। अंदर की तरफ से ले लेंगे। निशान लगा दिया। निशान को जोड़ के इधर से चुन्नट लगा देंगे तो ये जो पूरा चारों साइड बराबर चुन्नट आएगा। आधा आधा इंच चुन्नट लगाएंगे। ये हमारे दोनों बाजू तैयार हो गया। अभी इसको सिल लेंगे। ये सीधी तरफ से रख दिया, बाजू को भी हम जो कटिंग का भाग है आगे तरफ से लगेगा, सीधे को सीधा कर दिया, कटिंग का भाग को आगे के आगे रख दिया। अभी इसको उल्टा कर देंगे। इसको अंदर करके इसको उल्टा कर देते हैं। हाँ ठीक है। इसको सीधा कर देते हैं बाजू को। अभी हम इसको सिलाई कर देंगे। ऐसे पूरा सिलाई कर देंगे। ये देखिए बाजू जोड़ गया है। दोनों हाथ का बाजू जोड़ दिया। बहुत सुंदर है। अभी हम ये नीचे का पार्ट लगाएंगे, नीचे का घेर। तो चलिए घेर, ये चुन्नट के लिए कटिंग किया हुआ है। ये आगे पीछे का अस्तर है और कपड़े हैं। अस्तर और कपड़े पहले बराबर कर देते हैं दोनों का। ये पीछे का आगे पीछे का अस्तर लगा दिया। अभी आगे का ऐसे दोनों साइड को किनारे से सील देंगे। अस्तर को भी थोड़ा
मोड़ के सिल देंगे इसे। ये दोनों साइड जुड़ गया है, ये देखिए। अब इसी को और इसी को जोड़ देंगे। ये हम इसी के बराबर साइज से लिए थे, ये तो ये थोड़ा सा हमारा इतना बड़ा है, तो दो तीन चुन्नट बीच में रख देंगे, नहीं तो आप एक एक करके तीन चार रख देंगे। तो अभी इसको सिलाई कर देते हैं। सिलाई सेम ऐसे ही होगा, इसको हम उल्टा कर देंगे ऐसे। और जो आगे का पार्ट है आप थोड़ा देख लीजिएगा, आगे का जो छोटा है उसको हम आगे रखेंगे। तो इसको भी हम सीधा कर देंगे। ये है आगे का छोटा पार्ट है और ये हमारा आगे का है। तो इसके अंदर से हम ऐसे करेंगे और ये जो सिलाई है और ये सिलाई है दोनों को मिला देंगे। फिर हम ऐसे सिलाई करेंगे। ये जो नीचे का पार्ट है थोड़ा चुन्नट लगा के इसको हम बराबर करके चारों तरफ सिलाई कर देंगे। तो चलिए सिलते हैं। ये देखिए सिलाई हो गया। ये छोटा छोटा चुन्नट अभी निकाल देते हैं। सिलाई इसका हो गया। अभी इसमें हम चुन्नट लगाएंगे। पहले इसको चुन्नट बना देते हैं। बाजू में जैसे सिलाई हुआ था ऐसे ही सेम सिलाई करके ऐसे फिर ऐसे हम चुन्नट लगा देते हैं ताकि सिलने में आसानी हो। ऐसे पूरे में सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए चुन्नट लग गए ऐसे। ये देखिए आगे का जो छोटा पार्ट है इधर से किनारे से ऐसे ले लेंगे। ये कमर से हम 6 इंच में निशान लगा देते हैं। फिर हम ऐसे ये देखिए ऐसे कोने तक ऐसे निशान लगा देंगे। इसी के ऊपर चुन्नट लगाएंगे। देखिए निशान लग गया। ये जो चुन्नट सुला हुआ है अभी हम इसका उल्टे की तरफ से सिलाई करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ मोटा सा पाइपिंग या लेस लगाना है तो। मेरे को लेस नहीं लगाना है तो ये उल्टे की तरफ से लगाएंगे ऐसे ऐसे।
तो चलिए सिलते हैं। ये देखिए इधर से बराबर आ गया। ये देखिए आगे का चुनट लग गया डिजाइन में, थोड़ा तिरछा। और इसको जो है इसको सिलने के टाइम इसको लगा देंगे। अभी इसको सिलाई कर देते हैं दोनों साइड, इसी साइड में भी सिलाई कर देते हैं। ये वाला सिलाई इधर लगा दिया। अभी जो कमर के नीचे लाइनिंग खींचे थे उधर भी ऐसे खुला है, तो इसको भी अंदर की तरफ से इसे बिना ये देखिए ऐसे सिलाई लगा देंगे ऐसे अस्तर को निकाल के। ये हो गया सिलाई, ये हमारा आगे का हो गया पूरा सिलाई। अभी ये जो पीछे वाला बड़ा वाला पार्ट है अभी इसी को सेम ऐसे चुनट लगेगा, इधर से चुनट बना दिया। अभी इसको हम सेम ऐसे लगा देंगे। ऐसे पूरे में लगा देंगे। चलिए लगाते हैं। ये भी चुनट लग गया आगे पीछे दोनों तरफ से। अभी हम इसमें मोटा सा डोरी लगाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने काट के रखा है कपड़ा। ये थोड़ा कपड़ा कम बचा था तो थोड़ा थोड़ा करके काट दिया। ये देखिए इसको पहले जोड़ के फिर थोड़ा चौड़ा वाला डोरी आएगा मोटा सा, इतने से पूरे में सिलाई कर देंगे। ये देखिए डोरी बन गया मोटा सा। जो डोरी है ये बीच में ऐसे ऐसे लगेगा। अभी हम एक बटन इधर लगा देंगे इधर, फिर रख के देख लेंगे। ये देखिए बटन भी लग गया। ये देखिए आगे का साइड डिजाइन पूरा तैयार हो गया। और ये पीछे साइड का। थैंक यू।